नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बिहार को। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बिहार पुलिस होमगार्ड प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए, जो दोस्तों जनरल साइंस से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर, दोस्तों क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दोस्तों, आप लोग इसका राइट आंसर बता दें। दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती, किस में नहीं हो सकता दोस्तों, चांदी में, तांबा में, लकड़ी में। तो आप लोग जानते होंगे राइट आंसर, लकड़ी में जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है दोस्तों डेसिबल एक निम्न में से किसका मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे वायु का, जल का, ध्वनि का, मिट्टी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि का मात्रक जो होता है डेसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस कोण में एक क्रिकेट गेंद को अधिकतम क्षेत्रीय दूरी तक पहुंचाने के लिए मारा जाना चाहिए। किस कोण में दोस्तों, तो 60 डिग्री कोण, 36 के साथ 60 डिग्री, 36 के साथ 45 डिग्री, 36 के साथ 30 डिग्री, 36 के साथ 15 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 के साथ 45 डिग्री पर मारना चाहिए, तब इसका जो है अधिकतम दूरी तय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने परिभाषित किया दोस्तों, न्यूटन की ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है न्यूटन ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो आप लोग राइट आंसर बता दो दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रक्रिया पर सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट में नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता दोस्तों, एलम, एल्युमिनिया, चिकनी मिट्टी, जिप्सम। तो कौन नहीं पाया जाता है इनमें से आपको बताना है। तो ए नंबर जो है एलम नहीं पाया जाता है सीमेंट में। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों ऑप्शन जो है ये तीनों पाया जाता है सीमेंट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है दोस्तों समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई। राइट आंसर जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जो जो है इसकी प्रक्रिया जो है फिर से उसमें आपस नहीं हो सकता। जैसे दूध से दही बन परिवर्तन हो गया दोस्तों, तो आप दूध नहीं बन सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और भौतिक परिवर्तन किससे कहा जाता है, जिसको जो है पुनः जो है उसी के जो है दोस्तों परिवर्तन कर सकता है। जैसे दोस्तों नमक और चीनी का घोल जैसे हो सकता है दोस्तों, नमक पानी का घोल हो सकता है, तो नमक को फिर से घोल देने पर भी फिर से आपस कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस की प्रयुक्त होता है। कौन सी गैस की प्रयुक्ति होती है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फलों के पकाने के लिए एस्टिलीन गैस की जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा है दोस्तों, तो नर्व सेल, मांसपेशियां सेल, लीवर सेल, किडनी सेल। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बता दूँ, नर्व सेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में समान रक्त की मात्रा कितना होता है दोस्तों, क्या है दोस्तों। राइट आंसर बता दो दोस्तों, 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, 5 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का एक समृद्ध स्रोत है। कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर बता दो दोस्तों,
बी नंबर हो जाएगा पालक। पालक में जो है सबसे ज्यादा आयरन का जो है स्रोत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजून दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सितंबर 16 सितंबर को जो है दोस्तों अजून दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 206। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, खुश रहिए।